क्रेडिट्स, हर आर्टिस्ट की जान बसती है क्रेडिट्स में। DHH की कई लड़ाइयों और बीफ्स का मुद्दा एक्चुअली में क्रेडिट ना मिलना ही होता है। एंड ऐसा एक भी आर्टिस्ट नहीं होगा सीन में जो अपने क्रेडिट्स के लिए लड़ता ना हो। मूव हार्ड फॉर सैया संग डैब सॉन्ग, एमिवे सेइंग कि मुंबई स्लैंग में रैप करना नेजी और एमिवे ने शुरू किया था। हनी सिंह आस्किंग टू बी कॉल्ड पाजी बिकॉज ही क्रिएटेड माफिया मुंडीर, कृष्णा टेलिंग एवरीवन कि वो 15 साल से रैप कर रहे हैं एंड ही वाज द फर्स्ट रैपर टू गो ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब, बोहेमिया क्लेमिंग दैट ही इज द क्रिएटर ऑफ देसी हिप हॉप। ऐसे एग्जांपल्स की मैं लाइन लगा सकता हूँ, बट देयर वाज दिस वन इंडिविजुअल हु वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। ही पायनियर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स 20-30 इयर्स अगो जो कि आज के दिन में एकदम नॉर्म्स बन चुकी हैं। स्ट्रैप इन एज दिस वीडियो के अंत तक यू विल हैव अ न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेल ब्लेजर ऑफ इंडियन हिप हॉप सीन, जावेद जाफरी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हिप हॉप के 5 मेन एलिमेंट्स रहे हैं, MCing, that is rapping, उसके अलावा DJing, breakdancing, graffiti and knowledge. इसके बाद 2003 में KRS-One का 9 Elements नाम का एक गाना रिलीज हुआ था जिसमें KRS-One ने और 4 Elements को इंट्रोड्यूस किया हिप हॉप कल्चर में। एंड अगर आज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल अग्री कि आज हिप हॉप के 10 Elements हैं। कहने का मतलब यह है कि हिप हॉप इज नॉट जस्ट रैप, रैपिंग या MCing इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिप हॉप, बट उसके अलावा DJing और ब्रेक डांसिंग जैसे एलिमेंट्स भी हिप हॉप का एक इंटेग्रल पार्ट है। और यही आता है हमारे वीडियो का फर्स्ट स्टॉप। इफ आई आस्क यू कि इंडिया का सबसे फर्स्ट पॉपर कौन था, तो मोस्ट ऑफ द 90s kids will point towards a guy named Prince, जिसने डांस इंडिया डांस के सीजन 1 में अपने आइसोलेशन मूव्स दिखाकर अपने आप को और इस डांस फॉर्म को इंडिया में बहुत पॉपुलर कर दिया था। एंड ही वाज रियली गुड एट इट, हाउएवर ही वाज नॉट द पायनियर। लेट 80s में एक बंदा था जो सिर्फ पॉपिंग ही नहीं, स्ट्रीट फंक डांस स्टाइल भी परफॉर्म कर रहा था और अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और इतना ही नहीं, उस बंदे ने अपनी अपॉर्चुनिटीज को यूज करके हिप हॉप डांस को बॉलीवुड में तक परफॉर्म किया। नाम, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, जावेद जाफरी। नाउ रिमेंबर, लेट 80s वॉज अ वेरी डिफरेंट टाइम। उस टाइम को ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ जैसे आर्टिस्ट नहीं थे जो ऐसे डांस फॉर्म को नॉर्मलाइज कर रहे हो। ये टाइम था अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र जी जैसे एक्टर्स का। एंड जस्ट टू थिंक अबाउट द फैक्ट कि हिप हॉप के स्टार्ट होने के जस्ट 15-16 साल बाद इंडिया में एक लड़का ब्रेक डांस कर रहा था, वो भी इन अ बॉलीवुड मूवी, इज माइंड बॉगलिंग। बट फिर भी इट्स नाइस टू बी द फर्स्ट पॉपर ऑफ इंडिया, बट इज इट एज बिग ऑफ एन अचीवमेंट टू मेक अ होल वीडियो ऑन इट? मेबी नॉट। मेबी पायनियरिंग इन 1 out of 5 एलिमेंट्स ऑफ हिप हॉप इज नॉट गुड इनफ, एंड दैट इज कॉमन नॉलेज। एंड यहीं पे आता है हमारी वीडियो का सेकेंड स्टॉप, नॉलेज। नॉलेज विच वॉज द सेकेंड एलिमेंट जो जावेद जाफरी ने पायनियर किया इंडिया में। इन द ईयर 1996 जावेद जाफरी अलॉन्ग विद हिज ब्रदर नावेद जाफरी एंड अनदर एक्टर डांसर फ्रेंड रवि बहल डिसाइडेड टू मेक अ डांस रियलिटी शो। नाउ दिस वॉज नॉट जस्ट एनी अदर डांस रियलिटी शो, इट इज क्लेम्ड टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट full-fledged dance reality show. The show was called Boogie Woogie. And to give you a perspective, इसके बाद global stage पे एक बड़ा dance reality show Boogie Woogie के 8 साल बाद launch हुआ. The show was called So You Think You Can Dance. And अगर India की बात करें तो the next dance reality show came 13 years after the launch of Boogie Woogie. That dance reality show was called Dance India Dance. Now कोई भी reality show एक बहुत ही important responsibility लेकर आता है to spread awareness and knowledge about that art form, especially amongst the audience जो उस art form को लेकर normies है। जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे culinary arts और cooking के बारे में कुछ ज़्यादा खास पता नहीं है, लेकिन मैंने MasterChef देखकर ये सीख लिया है कि खाने के texture, clash of flavors और colors को भी judge किया जाता है। And that's the exact same reason why I used to get triggered जब भी हसल शून्य तीन में judgment को लेकर fuck-ups होते थे, because that ends up misrepresenting the art form in front of lesser known audience. जब as a judge आप एक average गाने को बहुत अच्छा बोल देते हो, तो जो भी regular hip hop listeners हैं, उनको तो समझ आ जाएगा कि इतना अच्छा नहीं है, judge ने गलत किया है, but less informed audience को लगने लगता है कि ऐसी ही है ये art form. In this regard, Boogie Woogie was intelligently crafted. 1996 के era को देखकर इसमें comedy का मसाला भी रखा गया था, जो masses को entertain कर दे. And while they were having discussions, इसमें dance styles, moves के नाम, ये सब discuss किए जाते थे to emit knowledge about the dance form. आपका coordination superb. आप लोगों ने जिस तरह formations का use किया, brilliant. जिस तरह से stage का use किया आपने,
रियली गुड. और जिस म्यूजिक पे जो चीज करनी चाहिए जो अच्छी लगेगी, जैसे कि उसने वो फ्लिप मारी बच्चे ने जो म्यूजिक और याओ, उस पे आपने फ्लिप की, दैट इज व्हाट कोरियोग्राफी इज अबाउट, कि हाउ टू यूज द म्यूजिक और उस पे सही मूवमेंट क्या करना. अगर मैं अपने हिप हॉप जर्नी के बारे में बताऊं तो आई गॉट इंट्रोड्यूस टू हिप हॉप कल्चर वाया ब्रेक डांसिंग इन द लेट 2000s, एंड उसमें सबसे बड़ा हाथ बूगी वूगी का था, जहां पर पहली बार मैंने नाला 112 से आने वाले एक हिप हॉप डांस ग्रुप को देखा था. The group was called Rohan and Group. After that, every evening after coming back from school, I used to download their videos and try to copy their moves. अगर मैं उतना ज़्यादा embarrassed नहीं होता, तो वो videos जो मेरे पास पुरानी पड़ी है of me copying their moves, वो भी लगा देता. But I am embarrassed. Moving on. Boogie Woogie ने मुझे तो inspire किया ही, but साथ ही साथ it became a platform जिससे बहुत सारे important hip hop dancers निकल के आए. जैसे धर्मेश सर जो आज actor बन चुके हैं और बहुत सारे dance reality shows में judge बन के बैठते हैं. उसके अलावा जय कुमार नायर जो DID 1 के finalist थे. परेश शिरोडकर जो कि एक बहुत ही renowned choreographer है. Rohan and Group जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, जो कि इंडिया का सबसे पहला hip hop dance group था. And finally Fictitious Group जो आगे चल के entertainment के लिए कुछ भी करेगा नामक एक show जीते. And then Indian Idol जीते with नेम सुरेश एंड वर्नन ग्रुप. उसके बाद आपने इस ग्रुप को ABCD मूवी में भी देखा होगा. नॉट ओनली दैट, ABCD मूवी की जो स्टोरी है वो भी इसी ग्रुप पे बेस्ड है. एंड द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज कि इस ग्रुप ने अपना नाम चेंज कर लिया टू बी किंग्स यूनाइटेड एंड दे वेंट ऑन टू बिकम सेकंड रनर अप इन वर्ल्ड हिप हॉप डांस चैंपियनशिप. दे ऑल्सो वन एन अमेरिकन डांस रियलिटी शो कॉल्ड वर्ल्ड ऑफ डांस. ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड विद दिस वन परफॉर्मेंस on Boogie Woogie. So with that we come to an end of this video. Wait a minute. इस चैनल पे हम जनरली रैप और MCing ज़्यादा डिस्कस करते हैं. तो अगर उसी की कंट्रीब्यूशन मैंने आपको ना बताई तो फिर क्या ही बताया. So here comes the third stop of the video. Javed Jafri being one of the pioneers of the art form that we all love to talk and discuss about. MCing. Now there's a lot of confusion ki rapping kya hai, hip hop music kya hai, MCing kya hai, etc. Rap and hip hop have become synonymous over the last 50 years, but aisa hai nahi. Rapping is a much older technique jisko hip hop ne 50 saal pehle adopt kiya. It's unclear ki is technique ka origin kahan hua tha, but agar aap rapping ki definition dekho to wo aapko milegi words that are recited rapidly and rhythmically. बहुत लोगों का मानना है कि back in 1400s and 1500s king's courts यानी राजाओं के दरबार में भी ऐसी ही techniques का use किया जाता था. However, पीछे hip hop beats नहीं लगी होती. KBC में भी एक कथक dancer की clip viral हुई थी जो भी कुछ ऐसे ही claim कर रही थी. कहा कहू कछ सुनत ना ही समझाओ जशोदा कन्हैया की मई नित नित करते जगरो हमसे रोकत गेल हमारो कन. इसके अलावा hip hop के जन्म से पहले भी बहुत सारे दूसरे genres rapping technique को अपने अपने genres में use करने की कोशिश कर रहे थे. In fact, legendary Bollywood singer किशोर कुमार जी ने भी rap किया हुआ है back in the year 1956, almost 20 years before hip hop was born. हाँ जी, अच्छा ख्याल है आपका दीजिए, मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा, अच्छा ख्याल है आपका. The modern day meaning of rap is synonymous to hip hop because जैसे ही hip hop का जन्म हुआ, hip hop absolutely owned this technique of rapping. So to conclude everything, the difference between Kishore Kumar ji's rap and any other modern hip hop artist are a couple of things. पहली चीज कि पीछे हिप हॉप की बीट्स नहीं बज रही थी, एंड दैट्स व्हाई दैट वाज नॉट हिप हॉप, दैट वाज जस्ट प्योरली रैपिंग, एंड मॉडर्न डे हिप हॉप आर्टिस्ट कैन कॉल देमसेल्व्स हिप हॉप. एंड सेकंड डिफरेंशिएटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ हिप हॉप कि एक रैपर अपने लिरिक्स खुद लिखता है. तो अगर हमें इंडिया में रैप का पायनियर ढूंढना है तो हमारे पास 3-4 मापदंड है. पहली चीज, वो बंदा इंडियन होना चाहिए, वो किसी वर्नैक्युलर लैंग्वेज में रैप करना चाहिए. थर्डली, वो हिप हॉप बीट्स पर रैप कर रहा होना चाहिए. एंड फोर्थ एंड फाइनल क्राइटेरिया इज कि उसने खुद के लिरिक्स लिखे होने चाहिए. तो अगर आप इन क्राइटेरियाज पे जज करने की कोशिश करें तो फर्स्ट हिंदी रैपर का जो टाइटल है वो जाता है बाबा सैगल को, जिसने 1992 में ठंडा ठंडा पानी नाम के एक एल्बम रिलीज करी. ऑनेस्टली द एल्बम वॉज डिसेंट. द टाइटल ट्रैक ऑफ द एल्बम ठंडा ठंडा पानी वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ बूटलेग रीमिक्स ऑफ वनीला आइस ट्रैक आइस आइस बेबी. बट बाबा सैगल ट्रूली डिजर्व्स दिस एक्लेड ऑफ बीइंग द फर्स्ट हिंदी रैपर एवर. बाबा सैगल के कुछ 3 साल बाद पॉप होने लगे देवांग पटेल नामक एक रैपर. भिखारी को भिख में दे दू 2 बेडरूम का फ्लैट, मुझे अब रोको नहीं, मुझे अब टोको नहीं, मेरा कहा सुन के तुम ऐसे अब चौको नहीं. Although the songs were catchy, but देवांग पटेल अपने खुद के लिरिक्स लिखते नहीं थे, तो वो क्राइटेरिया पे फिट नहीं बैठते. 1993 में एक बहुत ही अच्छे हिप हॉप एल्बम रिलीज हुई थी इंडिया में कॉल्ड रैगा रागा by this artist called Voodoo Rapper. Voodoo Rapper was a solid hip-hop artist, but वो English में rap करते थे. So basically, अगले 5-6 साल तक
हमें कोई भी ऐसा रैपर नहीं मिला जो या फिर खुद के लिरिक्स लिखता हो या फिर वर्नैक्युलर लैंग्वेज में रैप करता हो। एंड देन साल 1998 में एंटर द हीरो ऑफ दिस वीडियो जावेद जाफरी विद हिज रैप टाइटल्ड मुम भाई। माय नेम इज भाई मुम भाई। दिस रैप वुड सिंगल हैंडेडली पुट एन एंड टू द डिबेट कि मुंबई स्लैंग में रैप करना आखिर शुरू किसने किया। 1998 की मूवी बॉम्बे बॉयज के डायरेक्टर चाहते थे कि जावेद जाफरी उनकी मूवी में रैप करे। जब जावेद जाफरी को बुला के एक प्री रिटन रैप सुनाया गया तो जावेद जाफरी को वो उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। ही आस्क्ड द डायरेक्टर फॉर द प्लॉट ऑफ दिस मूवी। द प्लॉट रिवॉल्व्ड अराउंड मुंबई एंड जावेद जाफरी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। तो फिर क्या था, जावेद जाफरी डिसाइडेड टू राइट अ रैप हिमसेल्फ एंड 25-26 इयर्स लेटर दिस रैप Still slaps. चलने का, फिरने का, उठने का, गिरने का, टेंशन नहीं लेने का, भाई से पूछने का, कसकार पर है, I am Mumbai. The production, the flow, the cadence, all of it was way ahead of its time, and it deserves the credits and respect that it has been deprived of. And also, fun fact, MEVA का popular diss track खत्म जिस phrase से शुरू होता है ना, ये खत्म नहीं हुआ चू। वो फ्रेज इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ मुंबई सॉन्ग। उसका खोपड़ी सनक गया तो पूरा मुंबई रुकता। एक खत्म नहीं हुआ चूतिये। I would totally recommend you going back and listening to this song because इस song में पागलपंती है और कुछ elements है जो काफी funny लगे मुझे। जैसे for example गाने में जब third time chorus repeat होने वाला होता है उससे पहले थोड़ा सा bridge आता है instruments का and उसके बाद जावेद जाफरी screams chorus and then the chorus begins. Chorus. खाने का, पीने का, मरने का, जीने का। And on that note, it's time to wrap up the video. Javed Jafri is mainly known and appreciated for his voiceovers and acting chops. And वो उसमें killer तो है ही। But if there's one culture that truly needs to thank Javed Jafri, it has to be the hip hop culture in India. Now I understand कि वो Indian hip hop community के कोई active member तो है नहीं। And most of my audience would be untouched by his influence on this art form. But you have to understand कि किसी भी चीज को pioneer करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। ऑडियंस को ना चेंज को ज्यादा खास पसंद नहीं होता है एंड इसलिए बहुत सारे जो बड़े स्टार्स होते हैं वो बस ऑडियंस की वेव ही राइड करते रहते हैं। तो किसी भी आर्ट फॉर्म में किसी भी पाइनियर को अगर आप कभी भी देखें, लुक एट देम विद रिस्पेक्ट बिकॉज उस बंदे ने कोशिश करी है कि ऑडियंस को कुछ नया सिखाया जाए, ऑडियंस को कुछ नया दिखाया जाए। एंड चाहे पाइनियर्स उतने सक्सेसफुल हो या ना हो, ऑलवेज रिमेंबर कि इनकी वजह से एक स्नोबॉल स्टार्ट होता है जिससे सीन एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। मी मेकिंग दीज यूट्यूब वीडियोस कवरिंग देसी हिप हॉप, ट्राइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट व्हाटएवर लिटिल आई नो विद दिस मैसिव कम्युनिटी। मे बी ऑल ऑफ दिस वुडंट एग्जिस्ट इफ आई डिडंट स्विच ऑन द टीवी टू वॉच बूगी बूगी इन दैट वन इवनिंग ऑफ 2007 एंड फेल इन लव विद हिप हॉप एवर सिंस देन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई हैंडल इज @RUHNCARIAPPA। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स मी रोहन कार्यपा साइनिंग ऑफ।